हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहां स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है, अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950-6900-21। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। इनेलो के कुछ नेता वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, तो कुलदीप राठी जो पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं वो मेरे साथ उनसे बातचीत करते हैं। राठी साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या मकसद था? हमारा कॉन्फ्रेंस का, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, आपके चैनल का खास तौर पर धन्यवाद करता हूं कि जो आपने इस महामारी के अंदर, COVID-19 के अंदर जो आप लोगों ने इस पानीपत शहर को जागरूक करने का काम किया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा से किसान, कमेरे और गरीब आदमी की आवाज़ उठाती रही है। आज भी हमने जो किसानों के साथ इस सरकार ने पिछले जो कणक की कटाई का समय शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक जो हालात किसान का, मजदूर का, छोटे व्यापारी और दुकानदार का इस लॉकडाउन के अंदर हुआ है, उसको देखते हुए आज हमने अपने ज़िले के माध्यम से, हमारे ज़िला प्रधान इमराज जागलान जी, और हमने ये फैसला किया भाई, ताकि मीडिया को ये जो आप लोगों ने ये आवाज़ उठाई और हम लोग भी बीच में आ जा जा करके लोगों की जो हेल्प की है, हमने सब चीज़ों को देखते हुए आज आपके बीच में आए हैं। आज इस सरकार ने, जब ये लोग भारतीय जनता पार्टी और JJP की सरकार बनी है, जब से किसान की इतनी दुर्गति अब अनाज के बारे में हुई है, आपने देखा होगा जो लोग ये कहते थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान को उनका पूरा भाव देंगे, व्यापारियों को सुरक्षा देंगे, लेकिन आज आपने देखा होगा कि व्यापारी आज इतना तंग है कि इन्होंने निगम के अधिकारियों, यहाँ के जो लेबर डिपार्टमेंट के, उन्होंने नोटिस दिया है 3,000 दुकानदारों को, व्यापारियों को, इंडस्ट्रीज को, भई आप 2 दिन के अंदर ये टैक्स जमा कराइए। अब लॉकडाउन के अंदर सरकार तो कह रही है राहत दे रहे हैं, ये लोग उनको डंडा दे रहे हैं ऊपर से। इस बात को लेकर के व्यापारी हमारे पास आए, उन्होंने कहा प्रधान जी हमारे को ये दिक्कत आ रही है, आप भी लोग इसको आवाज़ को उठाओ। हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी, आपने देखा होगा जब लॉकडाउन हुआ था किसानों के साथ जाती हुई तो वो मंडियों के अंदर गए, इन लोगों ने तभी मुद्दा बना दिया कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान न रख करके चौधरी अभय सिंह चौटाला तो राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति नहीं कर रहे, वो किसान की, कमेरे की, गरीब की आवाज़ उठा रहे हैं। और आज आप देखिए, कल की बात है, इनका विधायक एक गौशाला का प्रोग्राम करने के लिए विनोद बहना जाता है, वो लोगों को इकट्ठा कर रहा है, उसके ऊपर कोई वो नहीं है, आज कोई नहीं बोल रहा। और जब अभय सिंह चौटाला किसानों की, किसान की, व्यापारी की, छोटे दुकानदार की ये आवाज़ उठाते हैं, तब ये लोग कहते हैं राजनीति करते हैं। आज पानीपत के अंदर देखिए आप भ्रष्टाचार कितना, निगम के अंदर पार्षद कहता, मेयर कहता है कि मेरे को नहीं बुलाया, कोई उद्घाटन था माल टाउन के अंदर, और विधायक और कमिश्नर ये कहते हैं हमने निमंत्रण दे दिया। वहाँ का वार्ड का जो पार्षद है लोकेश नागरू है, उसको भी बुलाया नहीं गया। इससे ज़्यादा और आपस में खिंचातानी कितनी, इस खिंचातानी का किस पर असर है? आम पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक मर रही है। जो लोग ये सरकारी COVID-19 के माध्यम से, आज सरकार पानीपत के सिविल हॉस्पिटल के अंदर देखिए आप, ये लोग कह रहे थे कि भाई हम इनको दुगनी सैलरी देंगे, भाई डॉक्टर तो 1,00,000 रुपया तनख्वाह लेता है, लेकिन जो वहाँ पे नर्सिज हैं, जो एक स्वीपर है, जो वहाँ पे काम करते हैं, इन लोगों के लिए जो गरीब आदमी बेचारा है जिसका 10,000-12,000-20,000 रुपया तनख्वाह है, उनका गुजारा, वो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। कोविड के बहाने एम्बुलेंस, जो दूसरे मरीज हैं उन लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो रही है, वो लोग मर रहे हैं, और लेकिन उनको भी कोई सहायता नहीं दी जा रही। पानीपत के अंदर अगर संस्थाएं ना होती, आज सरकार कहती है कि हमने गरीब गरीब आदमी को खाना खिलाया, मैं धन्यवाद देता हूं संस्थाओं का भी जिन्होंने, और आप लोगों ने भी उनका बड़ा सहयोग किया, आपके चैनल के माध्यम से भी, जितनी भी मीडिया से हैं, सभी मीडिया वालों ने भी इस बात का पूरा वो किया है कि संस्थाओं ने खाना दिया है, सरकार ने क्या हेल्प की है, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लूट मचा रहे हैं। एक हमारे भाई ट्रांसपोर्टर हैं, वो भी आए हुए हैं,
लूटा जा रहा है, वो बात अपनी बात को रखेंगे। बुलाया मैंने उनको, वो प्रूफ के साथ आ रहे हैं कि सरकार कैसे लूट रही है। अब ये कहते हैं 20 लाख करोड़ का हमने पैकेज दे दिया, क्या फायदा हुआ, किसको हुआ? किसी छोटे दुकानदार का जो ब्याज ले, लोन ले रखा है, क्या किसी का 3 महीने का ब्याज माफ हुआ है? कोई माफ नहीं किया गया। या किसी की EMI माफ हुई है? कोई माफ नहीं हुई है। किसान को किसी कर्जे का जो लोन ले रखा है उसका कोई ब्याज माफ किया है? कोई माफ नहीं किया। किसी जो हमारे बच्चे हैं स्कूल के अंदर हैं, कॉलेज के अंदर हैं, किसी भी बच्चे का कोई फीस माफ की गई है? कोई फीस नहीं माफ की गई। उनसे तो 3 महीने एडवांस एडमिशन के टाइम पर 3 महीने छुट्टियों तक का पैसा ले रखा है उन्होंने, माफ कहाँ से होगा? बच्चों को भी लूटा जा रहा। कहीं पे भी सरकार ने कुछ नहीं, सरकार तो आंकड़ेबाजी पेश करती है और आंकड़ों में उलझा करके इसको प्रदेश को, क्या पूरे देश को, ये प्रधानमंत्री भी लूटने पे लगा हुआ है। मर गया कौन? गरीब आदमी, छोटा दुकानदार, व्यापारी। अब इनको कह दिया आप भाई इंडस्ट्री चलाने के लिए आप अपना वो दीजिए, इनसे सबसे उनका आंकड़े मंगा लिए 10 लेबर तक का कह करके, और आज उनको 3000 से ज़्यादा पानीपत के अंदर नोटिस भेज चुके हैं ये लोग। हर व्यापारी दुखी है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी बात कही है कि जब ये लॉकडाउन का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे जिला हेडक्वार्टर पर, हमारे नेता जो आदेश देंगे उसका हम व्यापारियों के साथ मिलकर के, किसान के साथ मिलकर के, छोटे दुकानदार के साथ मिलकर के हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को माध्यम से एक बात और अपील करना चाहता हूँ कि पानीपत की जनता से, ठीक है सरकार ने दुकानें भी खोलने के आदेश दे दिए हैं, छोटी दुकान है, बड़ी हैं, मॉल वगैरह तो अभी बंद हैं, लेकिन एक मेरी हाथ जोड़ कर से सबसे अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क लगाएं। और जो सरकार ये कहती है कि भाई फॉलो करना चाहिए, हमने इसमें कोई दो राय नहीं है, अपने बचाओ, जान है तो जान है। हमने, आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है, हम भी अपील करते हैं इस बात की कि बचाव में ही बचाव है। ये कोरोना एक ऐसी बीमारी है, इसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क लगा करके सैनिटाइज यूज करें। इस तरह अभी इतने मुद्दे आपने गिना दिए, इनेलो कहाँ, इन मुद्दों को उठा क्यों नहीं रहे? स्कूलों की बात करी, बिजली के बिल की बात होगी, इंडस्ट्री की बात होगी, तो इनेलो सिर्फ मीडिया में है, कुछ मुद्दा उठाने भी नहीं, मुद्दे उठाए हैं ये तो आप लॉकडाउन की वजह से लोग, हमने मीडिया के माध्यम से उठाए हैं, हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला, मैं बताया ना आपको, जब वो लोगों के बीच में जाने लगे उन्होंने विरोध कर दिया उस बात का, अगर भाई केस दर्ज करेंगे, उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं करे, लेकिन मैं लोगों की आवाज़ उठाऊंगा, किसान की उठाऊंगा, मजदूर की उठाऊंगा, छोटे व्यापारी की उठाऊंगा। और जब मैंने बताया ये इनके जो नेता जाते हैं वो कोई पालन नहीं करते उस बात का, विनोद बैना ने जो मैंने बताया आपको कल गौशाला के अंदर इन्होंने किया, हमारी पार्टी अब लॉकडाउन जिस तरह से खुला है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 20-30 आदमियों का एक वो करके DC के माध्यम से ज्ञापन देंगे, जो पार्टी ऊपर से आदेश देगी उसका पालन करेंगे। जैसे पार्टी का आदेश हमारे प्रधान इमराज जागलान जी खड़े हैं, जो आदेश इनके पास आएगा उसका हम पालन करेंगे और पार्टी की आवाज़ पहले भी उठाते रहे, आगे भी उठाते रहेंगे। जिला अध्यक्ष इमराज जी हमारे साथ, इमराज जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में, जो COVID-19 भी बता रहे कि पैसा इकट्ठा करने का काम कर रही है सरकार? ये तो प्रधान जी ने बता दिया आपको, अगर सरकार बानेसर जैसे चंदा भी लिया है, चंदा मांग भी रही है, सरकार ने यूज तो नहीं करा वो पैसा कहीं भी, जैसे 20 लाख का पैकेज का कहाँ यूज होया, वो घोषणा में ही तो ख़त्म हो गया, वो आगे तो नहीं आया। किस ब्याज माफ़ी किसान को, दुकानदार को, किसी को रात तो नहीं मिली इसकी, तो इनेलो इस मामले को उठाएगी जरूर। इनेलो जैसे भी सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय सिंह जी, जैसे भी पार्टी के आदेश मिलेंगे वैसे ही इन लोग। इनेलो नेता के साथ एक ट्रांसपोर्टर भी हमारे साथ हैं, बलबीर कादियान, उससे बातचीत करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों का भी मुद्दा जो है COVID-19 में बड़ा उछला है, तो उनसे बातचीत करते हैं। कादियान साहब, ट्रांसपोर्टरों की बात चल रही है, तो क्या दिखते हैं इन COVID-19 में आपको रही है? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आई कि ट्रांसपोर्टर से काम तो ले लिया, सबको डिजिग्नेशन दी गवर्नमेंट ने, भई एक कोविड वॉरियर हैं, कोविड के लिए लड़ रहे हैं, और जबकि सबसे ज़्यादा अहम लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, पूरे देश में मेडिसिन पहुंचाई है, अपनी जान को जोखिम में डालकर हम लोगों ने काम किया, और उसका हमें क्या रिजल्ट मिला, कितना बढ़िया सरकार ने हमें इनाम दिया कि हमारे जो टैक्स सरकार ने अपने दफ्तर बंद होने की वजह से, उन्होंने अपने 23-22-3 को लॉकडाउन लागू कराया,
और 31/1/4 को हमारे टैक्स ड्यूज हो गए। सरकार ने अब हमें इनाम के तौर पे 100 रुपये पर वीक का जुर्माना लगाया टैक्स लेने के लिए, और 50 रुपये डेली का पैसेंजर एंड गुड टैक्स पर हमें तोहफा दिया टैक्स के रूप में, हमारे से जुर्माना ग्रहण कर कर। हमें तो सरकार बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी सरकार। सरकार ने हमारे को जो रिवार्ड दिया उसको सत सत नमन। बस दिल से दुखी हो गया आप ये बातें बोल रहे हैं? बिल्कुल दुखी, एकदम दुखी। अरे IAS बैठे हैं, बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, बड़े बड़े दिमाग बैठे हैं, भाई सरकार के दफ्तर तो बंद कर दिए, सरकार ने दफ्तर तो बंद कर दिए। 1/4 को खोल रही है सरकार अपने दफ्तर, क्यों ना वो अपने कंप्यूटर में उन्होंने अपने प्रोग्रामों में चेंजेस करी? क्या उन्होंने ट्रांसपोर्टर को रिलीफ देने की घोषणा नहीं करी थी कि कोई जुर्माना नहीं लगेगा, कोई टैक्स पे देरी होगी उस पर हम कुछ नहीं लेंगे? और ये आपके सामने रसीद है, मैं 4 गाड़ियों का टैक्स भर के आया हूँ। नेशनल परमिट फीस है ये, उसकी ये खाना दिखाओ, 700 रुपये 1 गाड़ी पर ही उन्होंने मुझसे जुर्माना लिया है। मैं ट्रक पर भी जुर्माना, टेम्पू पे भी जुर्माना, जीप पे भी जुर्माना, ट्रक पे भी जुर्माना, 407 पे भी जुर्माना, हर कमर्शियल व्हीकल से सरकार आज टैक्स के रूप में, जुर्माने के रूप में पैसा ले रही है, जो कि हजारों करोड़ बनेगा। सरकार को 5 रुपये जमींदार से मांगने की जरूरत नहीं है, हमारे जुर्माने को ही कोविड में लगा दे, हमें रिलीफ नहीं दे रही है तुम। ये सरकार का चरित्र है, हमारी सरकार का चरित्र है ये। जनता तो दुखी है इस सरकार से, पूरी तरह दुखी। हरियाणा में पूरे 1000 करोड़ रुपए ऐसे टैक्स के इकट्ठा कर लेगी, टैक्स के जुर्माने का, टैक्स तो अलग चीज है, जुर्माने के रूप में इकट्ठे कर लेगी सरकार। ये है हमारा इनाम, कोविड वॉरियर का इनाम है हमारा। सबसे ज्यादा भी क्योंकि बॉम्बे महाराष्ट्र में आपके हमारे ड्राइवर जाते हैं, बॉम्बे में सप्लाई देते हैं मेडिसिन की, पुणे में देते हैं, बेंगलोर में देते हैं, पूरे देश में सप्लाई। और बॉम्बे तो आज की तारीख में पूरा हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहाँ पर तो 40,000 केस हैं, और हमारे ड्राइवर फिर भी जाते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के गाड़ियों से डिलीवरी देने के लिए, और इनाम ये मिले। अब आप ही बताओ कुलवंत जी, क्या करें हम, कहाँ जाएं हम? सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाचा। आप करें तो रासलीला, मैं करूँ तो करेक्टर लीला। ये है सरकार का चरित्र। आप वो गीता जयंती के नाम पे तो 2000 करोड़ रुपये हर साल प्रदेश में खर्च होते हैं, और जो बेचारे कोई गरीब बीमार हो रहा है, अब वो 5 रुपये किसान से मांग रहे हैं, लोगों से चंदा मांग रहे हैं, 2000 करोड़ उनसे पूछने वाला हो कोई, किस लिए खर्च कर रहे हैं गीता जयंती पे? कौन सी आफत आएगी गीता के बगैर? क्या आफत आ रही है देश में? चलना नहीं है, जनता से चलना है, देश गीता से चलना है देश, मुझे तो बताओ। बेशक मेरी धर्म, मैं हिंदू धर्म का हूँ, लेकिन मैं ये कभी समर्थन नहीं करता कि वाहियात के पैसे जो सरकार खर्च करती है वो गलत है, एकदम गलत है। और पूछो आप जो पूछना है। सारी बात तो आपके चेहरे के अभाव से पता ही लग रहा है कितना दुखी हो गया आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा दुखी। अरे काम करो और ऊपर से रिवार्ड ये मिले तो फिर और क्या करेंगे? कहाँ टैक्स नहीं लेती हम, गाड़ी लेते हैं परचेज करते हैं पहले 28% उस पर टैक्स देते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन पर टैक्स देते हैं, फिर परमिट पर टैक्स देते हैं, फिर गुड टैक्स देते हैं, फिर रोड पे चलते हैं तो टोल टैक्स देते हैं, और सरकार को 1 गाड़ी से साल में कम से कम भी 5 लाख रुपए की इनकम है। सरकार इसके बदले में उनको देती क्या है? पलेंटी, सिवाय पलेंटी और कुछ नहीं। बाहर निकलो RTO पैसे मांगता है, हर पुलिस वाला पैसे मांगता है, ऐसे भिखारियों की तरह खड़े रहते हैं पुलिस वाले, पैसे दे दो जी जब जाएगी गाड़ी। हम तो पूछो मत कुलवंत जी, इतना परेशान है, ट्रांसपोर्टर का धंधा तो कर रहे हैं लेकिन देश में धंधा करने के लिए जगह नहीं है। सही पूछते हो तो मान लो मैं राजस्थान में चला गया तो वहाँ मुझे ट्रीटमेंट क्या मिलता है? ओ ये बाहर की गड्डी है, काटो चलान, नहीं पैसे देगा। टाटा ट्रक बनाता है, डबल टंकी लगा के ट्रक खरीदते, टाटा ने बनाए टंकी, टाटा ने लगाई, राजस्थान गवर्नमेंट चलान करती है डबल टंकी का। इस देश में 2 कानून है क्या? हरियाणा के लिए अलग है, राजस्थान के लिए अलग है, महाराष्ट्र के लिए अलग है। समझ से बाहर है बात, पता नहीं कैसे देश चल रहा है। और कहते हैं व्यवस्था हमने इतनी बढ़िया बना रखी है, हमने IAS बिठा रखे हैं, कमिश्नर बिठा रखे हैं, बहुत बढ़िया कंपटीशन एग्जाम पास करके आते हैं, उनकी पॉलिसीज ये हैं, स्टेट के लिए, यहाँ के लिए कुछ, राजस्थान के लिए कुछ, महाराष्ट्र के लिए कुछ, और ट्रांसपोर्टर क्या करे? वो बेचारा, उसको तो धंधा करना है, अपने बच्चे पालने हैं,
वो जाता है आरटीओ को पैसे मांगता, पैसे ले ले भाई तू छोड़ पीछा छोड़ ले पैसे। ये हाल है देश का। लंबी चौड़ी घोषणा कर रहा था हमारा प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार को हम खत्म कर देंगे। जो काम पहले पुलिस वाला 100 रुपये लेता था 500 रुपये में हो रहा है। कहाँ खत्म हुआ भ्रष्टाचार? कौन सी स्टेज पे भ्रष्टाचार का जमा हमारी जो समझ से बाहर है भाई? आप पूछो। दुखी मन से ये ट्रांसपोर्टर भाई हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। बड़ी बातें उन्होंने कही हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ, और इनेलो के नेता भी हमारे साथ मौजूद थे। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो क्योंकि ये मुद्दा आप लोगों से जुड़ा है। ट्रांसपोर्टर का जो धंधा कर रहे हैं वो वाकई में दुखी हैं। अभी जो साहब बता रहे थे कि महाराष्ट्र बॉम्बे में ये लोग जाते हैं, इनके ड्राइवर जाते हैं, सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट का क्षेत्र बॉम्बे ही बना हुआ है। तो वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करिए आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट एलईडी केवल 12,990 रुपए में, साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सलोरी रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। आंखों में सपने सजे, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। अगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। अरमा है जितने भी सारे पूरे होने यही है। गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, जस्ट टेक योर डेस्टिनेशन। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. Poore honge sare sapne.